शादी आ रहे हैं, शादी में पहनने वाला क्या क्या लव यू देखो ए, आ गया सामान बोली। आज 20 तारीख है और शादी है 25 तारीख। और यार Good morning guys, Tashi Dile Se Vare Phephulu Namaste, this is your Darshan Tamang and once again welcome back to my YouTube channel Darshan Vlogs. So guys, आज सुबह सुबह बहुत ही एनर्जेटिक मूड में व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मम्मी जी घर वापस आ गए गाइस। कितना दिन, ऑलमोस्ट 1 week गाइस मम्मी घर छोड़ के चली गई थी कृष्णा दीदी के पास, तो फाइनली मम्मी इज बैक। तो आज से मैं एकदम खुले बिंदास से ब्लॉग बना सकता हूँ। आज मम्मी जी पूरा घर साफ कर रहे हैं क्योंकि ना गाइस इतना दिन मैंने घर ज्यादा इतना साफ नहीं किया था ना, तो मम्मी तो आधे मुझे मतलब शुरू कर दिए, ये क्या, ये क्या, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो चलो गाइस, मम्मी मम्मी होता है वैसे भी, तो मम्मी ने पूरा साफ करके यहाँ पर रख दिया है। एंड बर्फी गाइस, पिछली बार ये ना दूसरा गाँव वाले कुत्ते के साथ झगड़ा किया था ना, तो इसके आँख में चोट लग गया, तो मैंने दवा वगैरह ला के अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया। बहुत मतलब झगड़ा करने में ये भी माहिर है गाइस, पता नहीं क्यों। मम्मी मम्मी क्या हो सुबह सुबह, मम्मी का आज सब लोग आपको भी मिस कर रहे हैं मम्मी जी। मिसी कर, हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते सब जना लाए। आज तो मैं ऐसा गंदा होता है हो रहा हूँ मम्मी जी, सब घर किचन साफ सब 8 दिन के धूल इतना एक बोरा सब निकल के रख दिया, अभी कपड़े धोना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, तो गाइस मम्मी जी आज पूरा साफ कर रखे है, देखो मम्मी का रूम ऐसे शादी में पहनने वाला। मम्मी जी ने नया साड़ी खरीदा और गाइस एक्चुअली ना अभी शादी आ रहा है हमारे मम्मी जी का कजन का वेडिंग है, कजन सिस्टर का वेडिंग, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत हेल्प करने जाना है नीचे ना, तो मंडप वंडप बनाने में हेल्प करना है। तो उससे पहले अभी डैडी जी ने फोन किया था क्योंकि डैडी जी ने कल वो बहुत सारे सामान लेके आया था ना, तो उसको अनलोडिंग कर रहे हैं डैडी जी, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा डैडी जी को, फिर नीचे शादी में हेल्प करूंगा। तो गाँव में बैठेंगे तो ऐसे थोड़ा बहुत काम तो रहता है गाइस, गाँव में ना बहुत ज्यादा बिजी होता है गाइस, फ्री टाइम कभी नहीं मिलता, कभी इसको हेल्प करे कभी उसको हेल्प करे, कभी खुद का काम करो, तो बैठे बैठे ऐसे। हाँ तो चलो लो मम्मी जी, बाय बाय डैडी से हेल्प करना, ओके उधर मंडप बनाने पे नहीं बोलो। ओ लो गए ला, बाय बाय। तो चलो गाइस चलते अभी। हजुर हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? ये लिस्ट उधर डैडी जी को देना, ये मैंने क्या कर लिखा है सब, ये डैडी जी कितने, फिर ये सामान लेके इधर आना। ओ ठीक है, इसके नीचे एक चीज भी लिखो ना फिर, पीछे डैडी जी को आई लव यू, आई लव यू यू डैडी डैडी, आई नो डैडी, मेरे से डैडी हो के हुन्छ जी, तपाईले के भन्छ मेरो त हबी मम्मी जी का हबी, ओके ब्रैकेट में हबी भी लेख्दै नीचे आई लव यू हबी एच यू बी बी वाई हबी। ओ माय गॉड, दोनों का प्यार शाम को दादी मिली गया हम शाम को। मम्मी ने डैडी जी को लेटर भेजा है वैलेंटाइन डे में, तो डैडी जी को भूखा रख दिया, अभी लेटर भेज रहे थे। चलो कोई बात नहीं, लो मम्मी बाय, मेरे साथ में था ना इधर में, ठीक है। सो गाइज मम्मी जी ने लेटर लिखा है आई लव यू हबी डैडी जी, और इसके पीछे पूरा लिस्ट रखा हुआ है देखो। तो देखो गाइज, कल ना डैडी जी हिमालय में बहुत ज़्यादा सामान लेके आया था, तो इसको अनलोडिंग करना है आज, आधा अधूरा तो कर दिया होगा डैडी जी ने सामान वामान, तो चलो। हेलो डैडी जी, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? सामान अनलोड हो रहा है, ठीक है अभी अनलोडिंग करेंगे दोनों मिलके, ठीक है। अभी गाइस बाप बेटा मिलके दोनों सामान अनलोडिंग करेंगे। ये मम्मी जी ने आपके लिए भेजा है कुछ सामान लेके आओ, लव लेटर, बंदा फूल तिखाला, हाँ उसको पलट के पीछे देखो आई लव यू हबी डैडी जी, मम्मी जी ने भेजा, अब इसका रिप्लाई आप भी लिख के दो, अभी टाइम नहीं है मेरा बात में, ठीक है सरप्राइज होना चाहिए ना ये, ठीक है ये पहले मम्मी जी को ले जाओ, उसके बाद अनलोड करेंगे, ठीक है। क्या क्या भेजा है लिस्ट में देखना, एक बोट फिन, ये हल्दी, एक तीखा लाल थुक्पा, बंद गोभी, फूल गोभी, लाइट माचिस आ गया, तीखा लाल भी आ गया, बोट फिन वहाँ पर है पैकेट में, बोट फिन पूरे लेस, ये 5 वाला है कुरकुरे, ये वाला। तो गाइस सुबह सुबह अभी डैडी जी का अनलोडिंग हो रहा है, डैडी जी का नहीं डैडी जी का गाड़ी का, अभी हिमालय में बहुत सारा सामान लेके आया है ना, दिखने में बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन बहुत हल्का है गाइस, ये देखो ए, आ गया सामान, कम ऑन डैडी जी। महेंद्र बाहुबली डैडी जी, बस ये आ गया मैगी, मैगी 2 मिनट में मैगी बनेगा गाइस,
चिपसेट पनि छ सो गाइस बिहाइन्ड द सेन क्यामेराम्यान हाम्रो वेदान्त भाइ है नमस्ते भन्नु है नमस्ते सलुट गुड ओ थ्याङ्क यू मिठो भाइ थ्याङ्क्यु लु भाइ भाइ गाइज मम्मीजी बार बार फोन करके बुला रहे कि सब मम्मीजीको सामान जल्दी चाहिए तो चलो पहले मम्मीजीको सामान पुरा के आता हूँ ल डाडीजी आप अनलोडिङ कर लेना ठीक है बाहुबली ओरिजिनल बाहुबली तो यहाँ है 60 केजी हो देखो ल भाइ डाडीजी सो चलो गाइज मम्मीजीका सामान पहुँचा के त्यो थाली नै जाउँ ल तो गाइज मम्मीजीका दोकानका सामान भी आ गया यहाँ पर रख दिया आपका दुकान का सामान मैंने वहाँ पर नीचे रख दिया ठीक है ल डैडी जी ने बुलाया है आप लोगों को आपको लेटर लिखने का टाइम नहीं है आई लव यू बोल दिया आई लव यू टू ओके ल बाय मैं जा रहा हूँ नीचे शादी वाले घर में ओके तो गाइस फाइनली हम आ गए शादी वाले घर में तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है तो सर हमारे दोस्त लोग अभी पेंडल डिपार्टमेंट डेकोरेशन के लिए अभी काम कर रहे हैं देखो अभिषेक भाई विश्वास भाई करण भाई और यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत आइडिया लगा के पूरा डेकोरेशन करेंगे शादी कितना तारीख को है शादी 25 हाँ आज 20 तारीख है और शादी है 25 तारीख तो सिर्फ 5 दिन है हमारे हाथ में सो 5 दिन में पूरा यहाँ पर काम कंप्लीट करना है सो चलो अभी काम पे लग जाते हैं सो अभी यहाँ पर एक्चुअली ना ऐसा ही है पूरा ये जो घर है ना कम्प्लीट नहीं हुआ है तो यहीं पर हम जो दूल्हा दुल्हन का मंडप बनाएंगे तो चलो देखते हैं कैसा होगा यहाँ माथी चाहिए इसके ऊपर आएगा बैनर ठीक है और ये हाफ मात्रै गर्नुपर्छ ल करण विश्वास भाई इसमें हाफ आएगा पर्दा इसमें भी हाफ आएगा ये ऊपर से एक दूसरा आएगा शादी की तैयारी हो रहा है ओके ओके सो गाइस फाइनली अभी आफ्टरनून हो गए और देखते देखते इतना काम भी हो गया सो गाइस थोड़ा बहुत इतना सा तो हो गया डेकोरेशन देख सकते हैं यहाँ पर इसे झालर लगाया फिर यहाँ पर कर्टन्स लगाया है एंड अभी काम बाकी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठेगा बेवला बेवली यानी कि दुल्हा दुल्हन और यहाँ पर एक फ्लेक्स आएगा गाइस और बलून वगैरह लगेगा यहाँ पर चलो अभिषेक नया डिजाइन निकाल रहे क्या है ये हाँ ये खिड़की खिड़की तो पता नहीं फिनिशिंग में कैसा लगेगा अभी तो अच्छा लग रहा है बाद में ऊपर में यहाँ पर थर्मोकोल से डिजाइन बनाएंगे फिर बैलून वैलून लगाएंगे फिर अभी लाइट स्वाइच भी लगाना है एंड हमारे इलेक्ट्रिशियन मैन यहीं पर है अभिषेक लाइट का काम अभिषेक का ठीक है कल से लाइट का काम शुरू हो सो गाइज फाइनली स्पेशल चाय लेके आया करण भाई ने और चाय के साथ आज गाइज बिस्किट नहीं है यही खाओ चाय के साथ है चाय और चाना अभिषेक चाय के साथ ये खाओ ठीक है ठीक है सर चाय के साथ बिस्किट आ गया और डेकोरेशन कैसा लगा आप लोगों को जरा कमेंट करके बता देना गाइस थोड़ा बहुत कंप्लीट तो नहीं हुआ है चलो अभी सबसे पहले चाय पी लेते हैं डेकोरेशन कस्तो भयो भन्छु सो गाइस फाइनली अभी शादी में जो डेकोरेशन वाला काम है वो कंप्लीट करके आ गया कंप्लीट तो नहीं अभी आधा उधर पेंडिंग है सो आज के लिए खत्म करके आ गया सो अभी मैं डैडी जी की दुकान में हेल्प कर रहा हूँ सो डैडी जी अपना सामान वन दिख रहा है तो मैं यहाँ पर बिल विल चेक कर रहा हूँ गाइस सो चलो के रे बाबा किंग कैंडी आयो त किंग कैंडी फोरा पप्स भाई किंग कैंडी कस्तो हुन्छ यो किंग कैंडी ये बच्चे की मिठाई है ब्ल्याक पोलिस सुजमा लाउने चेरी चेरीको छ चेरी पोलिस लाउने ब्रस सो गाइज अभी डैडी जी भी चले गए अपना गाड़ी लेके किसी का सामान पहुँचाना है और दुकान का माल वाल भी लेके आना है तो अभी मैं डैडी जी का दुकान संभाल रहा हूँ गाइज सो गाइज कभी डैडी जी का दुकान कभी मम्मी जी का दुकान दोनों का दुकान संभालते मैं बुड्ढा होते जा रहा हूँ गाइज ना गाइज जब भी मैं दुकान में बैठता हूँ ना ऐसे मिठाई वगैरह खाने की चीज़ देखता हूँ तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है तो गाइज चलो डैडी जी का ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे सिर्फ 10 रुपये का एपी पी रहा हूँ गाइज चलो सो गाइज फाइनली अभी डैडी जी भी अपना काम करके आ गए हैं तो डैडी जी को दुकान में छोड़ के जा रहा हूँ डैडी जी बाय 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 बहुत ठंडा है क्या लेना है चाय चाय तो मम्मी जी को बोल दूंगा चाय भेजने के लिए इसमें लेना है चाय लेके आना है गाइज और गाइज मम्मी जी की दुकान के लिए आलू लेके जा रहा हूँ डैडी जी का पिकअप भी पार्क कर दूंगा मम्मी जी के दुकान में आलू भी पहुँच जाएगा
एक तीर में धोनी सिख, एक तीर में धोनी शान। जिंदगी सररर मोटर गाड़ी मा, हे जिंदगी सररर मोटर गाड़ी मा, बुझने ले बुझी जान्छ। ल मम्मी जी, डैडी जी को भी चाय भेज देना। ल ल ओके, डैडी जी को चाय और मुझे अभी आलू उतारना है मम्मी जी। ठीक है, चलो गाइस अभी आलू उतारने के लिए सुपरमैन बनना पड़ेगा, सुपरमैन। ठुलिया हमारे बाचा चाय पी रहे गाइस। हेलो, नमस्ते भन्यो नि न यता। नमस्ते सबैलाई। ए बाल, नमस्ते भन्यो। नमस्ते चिया सँगै छु। ओके, चलो गाइस, लो चलो गाइस, अभी आलू उतारने के लिए बनना पड़ेगा सुपरमैन। ला ठडाउनु पर्थ्यो होला सुपरमैन को। ए ओ ला दो ठो आलू। अरे यार फुटे के बोरा बना। बोरा देखो फट गया। मम्मी जी ने स्पेशल चाय बना दिया डैडी जी के लिए। डैडी जी ने ये साबुन भी मंगाया, काला साबुन। सो गाइस, हमारे यहाँ पर ये काला साबुन सबसे ज्यादा चलता है क्योंकि ये भाड़ा बर्तन धोने में, कपड़े वपड़े धोने में भी यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर ये काला साबुन। मूंग खाँचु ल, मुझे मेरे लिए भी रख देना चाय। चाय पकड़ लो, ये केक भी ले लो। सो गाइस, फाइनली अभी हो गए हैं डिनर टाइम और दिन भर ना गाइस इधर उधर उधर इधर सब लोग बिजी होते हैं। डैडी जी कहाँ कहाँ बिजी, मम्मी जी कहाँ कहाँ बिजी, मैं कहाँ कहाँ बिजी। तो फाइनली अभी टाइम है, मतलब सब फैमिली एक साथ होने का। सब फैमिली तो नहीं, अभी मॉम डैड में ही हूँ घर में, है ना। सो चलो फाइनली डिनर टाइम अभी फैमिली के साथ में। एंड मम्मी ने आज स्पेशल वेजीज, ब्रोकली, आलू, पता नहीं क्या क्या है इसमें, एंड चावल। और मम्मी जी खा रहे रोटी, मतलब रोटी। मम्मी जी शाम के रोटी खाते ज्यादातर। फैमिली जुड़ने का टाइम 8 बजे, नहीं तो 8 बजे से 7-6 बजे तक तो हम उधर ही रहता है ना। लेकिन कभी कभी डैडी जी पता नहीं क्या 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 अपना हिसाब किताब करते करते 9-10 ही बजा देते हैं कभी तो, है ना। आज थोड़ा सा लेट आ गया डैडी जी, काम ज्यादा, भूख लगा है। सोचो लगा अभी गांव में शादी भी आ रहा है, मम्मी जी का कजन का शादी भी आ रहा है, तो वहां पर भी मैं बिजी होता हूँ। तो कल भी, कल तो पूरा वहां पर जो मंडप है ना वो डेकोरेशन का पूरा काम कंप्लीट कर देंगे हम लोग सब मिलके, और फिर शादी में एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, मजे करेंगे। मैंने भी डेकोरेशन का सामान, क्या डेकोरेशन का सामान, मेरा डेकोरेशन का। ओ मम्मी का, अपना अपना डेकोरेशन करो, हमको कौन करेगा, बहन का शादी है ना इसीलिए। तो चलो गाइस, हमारा लाइफ तो ऐसे ही चलता रहता है, हंसी मजाक इधर उधर करते करते। तो यस गाइस, लाइफ में जो भी हो खुश रहना सीखना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम्स तो सबके पास में होते हैं, हमारे पास भी प्रॉब्लम है, आपके पास में भी प्रॉब्लम है, दुनिया में जितने भी अमीर गरीब जो भी, मतलब राजा महाराजा, सबके पास में प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम को साइड में रख के फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ खुश रहना सीखना चाहिए, यही तो ये जिंदगी है ना, है ना मम्मी जी, क्या बोलते हो। टेंशन लेना नहीं देना, टेंशन लेना नहीं देना है। हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हंसी मिले ना हम बदलेंगे, ए बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलते रहे। कौन बड़े मांग को है। वाह वाह गाइस, ये गाना तो बहुत ही मीनिंगफुल है। सो गाइस, अभी व्लॉग एंड करने का टाइम भी आ गया है। सो खाना वाना खा के थोड़ा बहुत बातचीत होंगे, फैमिली टॉक्स। सो यस गाइस, होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव मम्मी डैडी, बाय बाय भन्दिनु। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। सो गाइस, मम्मी ने बनाए स्पेशल खाना, दाल पनि छ नि। ओ मम्मी, दाल 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 दाल। थैंक यू।
चलो एक निवाला खा के ब्लॉक एंड करते हैं।